हरे कृष्णा राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग गोपाल जी की ये नेट की फ्रिल वाली पोशाक देखेंगे, जिसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। और ये पिंक वाली के लिए तो बहुत सारे आ रही थी। ये दिखने में जितनी मतलब कि अभी रफ लग रही है, पहनाने के बाद में उतनी ही अच्छी दिखती है। और ये रफ एंड टफ भी है दोस्तों दिखने में, पर पहनाने के बाद में वो इतनी डेलिकेट लगती है कि पूछो मत। तो ये मेरे पास कुछ ये वाइट कलर में है, और ये जो पिंक कलर में और ये जो एक्वा कलर में है वो सॉफ्ट जो है कपड़ा सॉफ्ट है एकदम। और ये पहनाने के बाद में बहुत सुंदर लगती है। इसकी चोली जो है हम अलग से बनाएंगे, तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि चोली भी कैसे बना सकते हैं। तो बिना किसी लेस का इस्तेमाल किए हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको नेट का फैब्रिक चाहिए दोस्तों। कोई भी नेट आप यूज़ कर सकते हैं, मोटा पतला सॉफ्ट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक अच्छा ये सिल्वर कलर में नेट लिया है, शिमर में है, चमकीला नेट है। तो इसको कट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत लोगों को कटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इस वजह से इसको जो है हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और तीन चार फोल्ड हम लगा के इसको जो है इसके साइड्स में पिन लगा देंगे, दोनों साइड में पिन लगा देंगे अच्छे से इसको सेट करके। और मैं यहाँ पे 2.5 से 3 इंच आप जो भी ले सकते हैं विड्थ, हम इसकी चौड़ाई जो है वो इतनी लेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से 2.5 और 3.25 इंच के बीच में यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और ये जो है एक मैंने 4 इंच के आसपास में ये कट किया है, जो कि हमारा मेन घेरा जो है वो इसी से बनेगा। तो घेरा जो है दोस्तों यहाँ पे 40 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा लिया है। और जो नेट के नीचे प्लीट्स लगाई है उसके लिए 7 मीटर जो है लंबाई में हमें चाहिए, और 2.5 से 3 इंच जो है आपके हिसाब से जितना आपको चौड़ा चाहिए उतना आप ले सकते हैं, वो मैंने चौड़ाई में लिया है। तो इस तरीके से जो है 4 इंच की एक और 2.5 इंच की जो है वो 6 मैंने पट्टियाँ कट की है, और ये लगभग 50 इंच की एक लंबाई में पट्टी है। तो ये कपड़ा लंबाई में 50 इंच है। बचा हुआ कपड़ा हम चोली बनाने के लिए और जो है वो पगड़ी बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी देखिए हम ये एक पट्टी खोल दिए हैं, और इसको जो है प्लीट लगाना है। प्लीट लगाना काफ़ी आसान है दोस्तों, जस्ट हमें इस तरीके से सिलाई मशीन के ऊपर रख के एक एक प्लीट को इस तरीके से फोल्ड करना है। और इससे अगर आप ऐसे मेथड से करोगे तो ये 5-6 मिनट में जो है सभी प्लीट्स बन जाएगी। अदरवाइज़ आप एक एक उठा के जो है हम घेरे वाली ड्रेस बनाते हैं वैसे करोगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है प्लीट लगानी है, और ये काफ़ी आसान है और काफ़ी नीट भी है, इसकी प्लीट्स आती है। तो बस पहले क्या कर लेंगे, सब कपड़ों को जो है सब प्लीट स्ट्रिप्स को अटैच कर देंगे और एक एक करके जो है वो प्लीट्स लगा देंगे हम। तो इस तरीके से जो है मैंने 6 स्ट्रिप्स ली है, 6 पट्टियाँ ली है, जिसको मैं यहाँ पे सिल रहा हूँ। इकट्ठा करके हम एक ही जो है इसकी प्लेट बना लेंगे। तो ये काफ़ी आसान है दोस्तों, इस तरीके से हम एक एक उठा के जो है वो प्लेट्स बना लेंगे। तो यह हमारी प्लीट्स बनके तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने जो 4 इंच का कपड़ा लिया था जो मेन घेरा लगेगा उसके साथ में अभी हमें ये अटैच करना है दोस्तों। यहाँ पे आप अस्तर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी चमकीला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं इसके पीछे साइड में। मैं सिंपल नेट ले रहा हूँ क्योंकि ये गर्मियों में मैं पोशाक बना रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से रखूँगा नेट को, और एक सिलाई लगा दूँगा जहाँ पे हमने सिलाई लगा थी उसी के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से रख के मैंने थोड़ी सी जो स्पेस साइड में छोड़ी है जैसे आप देख सकते हैं एक कपड़े के ऊपर, जिससे कि हमारा बाद में ये काम आएगा। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। 6 नंबर के गोपाल जी के लिए जो है वो मैं ये पोशाक बना रहा हूँ। तो इस तरीके से अटैच करने के बाद दोस्तों अभी जो है हमारी प्लीट्स जो है वो इस साइड में है, तो हमें इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको नीचे साइड में करना है। बट ये सिलाई हमें जो है
वो कुछ इस तरीके से फोल्ड करके लगानी है, ठीक है। दोनों को ये कपड़ा साफ आना चाहिए और पीछे साइड में जो है इसको इस तरीके से, ये इस तरीके से ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है अच्छे से, मतलब प्रेस स्टिच जो है हम इसके ऊपर कर देंगे। तो ये ऐसे दबा के जो है हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है साफ बन जाएगा, मतलब कि स्ट्रेट बन जाएगा। तो ये सिलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरे कपड़े के ऊपर हम इस तरीके से जो है सिलाई कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, अभी आपको इतना फर्क नज़र आ रहा होगा और इससे जो है वो अच्छी फिनिशिंग भी आती है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और पीछे साइड में कुछ इस तरीके से हो गया ये, और ये ज़्यादा नज़र भी नहीं आता पीछे साइड का, तो इस वजह से हमने ये किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नॉर्मल प्लीट्स लगा देंगे। अभी ये प्लीट्स मैंने सेम मेथड में लगाई है, तो इस तरीके से ही हम करेंगे, एक एक उठा के जो है हम प्लीट्स लगाते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है दोस्तों हम पूरी इसके ऊपर प्लीट्स लगा देंगे। तो आप अंदाजे से लगाइए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि रफ एंड टफ है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको प्लीट्स लगा देंगे। तो हमें यहाँ पे दोस्तों हमारे प्लीट्स बन के रेडी है। तो अभी हमें ये कमर के साइड में जो है वो नेफा लगाना है। कमर का जो मेजरमेंट मेरा आया है वो है 6 इंच का मेरा कमर आया है, तो इसके लिए मैंने 14 इंच लंबी ये पट्टी काटी है, क्योंकि इसी के साथ में मैं जो हूँ इसके बंद भी बना दूंगा। तो इस वजह से जो है हम इसको इस तरीके से रख देंगे, और यहाँ पे हमें इस पोशाक को जो है उल्टी रखना है दोस्तों, उल्टा कर देंगे इसको, पहले हम घुमा देंगे और घुमा के इसके ऊपर जो है वो ये हमें रख देना है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये 14 इंच इस वजह से लिया है क्योंकि जो 4 इंच है वो मेरा खुला छूटेगा और 6 इंच सिलाई में आएगा और फिर से 4 इंच जो खुला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है उसी मेथड में जिस तरीके से मैंने रखा था। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, अभी हम इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे ड्रेस को, और सीधा करके हम लोग इसको इस तरीके से मोड़ के जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये चौड़ाई में मैंने 3 इंच लिया था दोस्तों, तो इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे कमर की जो है नॉट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप चाहे तो इसको सिंपल नेफा लगा के इसके अंदर नाड़ा भी अलग से डाल सकते हैं, मैंने इसको जस्ट ऐसे ही बना दिया। ये हमारा घेरा बन चुका है, अब हम इसकी चोली बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो इस चोली बनाने के लिए मैंने सेम कपड़ा यूज़ किया है, और मैंने जो है यहाँ पे ये कपड़ा लंबाई में 12 इंच कट किया है और चौड़ाई में जो है वो मैंने 4 इंच कट किया है, क्योंकि मुझे जो है वो डबल करके ये कपड़ा लेना था। तो इस वजह से मैंने, ये आप देख सकते हैं मेरा 2 इंच आएगा डबल करने के बाद में। सो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसको जो है फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा दूँगा नीचे साइड में। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, और यहाँ के जो है हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि नेट का फैब्रिक है, थोड़ा सा कितना भी हम डबल कर दें तो सिलाई यहाँ दिखेगी ही। सो इस वजह से कट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है सीधा कर देंगे, मतलब कि सिलाई अंदर साइड से जाएगी और हमारी जो है चोली बाहर साइड से आएगी। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। मैं हमेशा हर एक जो ड्रेस है इसके अंदर सेम यही मेथड यूज़ करता हूँ। तो इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद में इसको मोड़ देंगे दोस्तों, अच्छे से इसको अच्छे से हाथों से ही प्रेस कर देंगे और इसको मोड़ के हाफ कट लगा देंगे। तो ये दो हमारे चोली के जो है हाथ बन गए। यहाँ पे नीचे साइड में मैं एक कट लगा रहा हूँ, इसके साइड से जो है हमें सिलाई लगानी है अच्छे से, 2-3 सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, तो ये हमारा इस तरीके से खुल जाएगा और ये हमारी चोली कंप्लीट हो चुकी है। इसके नीचे साइड में मैं क्या करूँगा, एक सेम कपड़े का या फिर आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं नीचे साइड में गोटा वगैरह, तो सेम यहाँ पे कपड़े का एक मैंने टुकड़ा जो है कट किया है, यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है मेरा बन चुका है। चोली भी
रेडी है, ड्रेस भी रेडी है दोस्तों, कोई लेस यूज़ नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ जो है नेट के फैब्रिक का यूज़ करके ये पोशाक बनाई है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं घेरा जो है अभी थोड़ा रफ लग रहा होगा, बट पहनाने के बाद बहुत सुंदर लगेगा दोस्तों। आप भी इस तरीके की जो अगर पोशाक या फिर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक व्हाट्सएप से पे जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स एंड सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।